नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मौनी बाबा अपने शिविर में राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेकर विशेष अनुष्ठान करते हैं। आज महाशिवरात्रि पर्व पर मौनी बाबा महाराज ने अपने शिविर में दक्षिण मुखी शिवलिंग की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि दक्षिण मुखी शिवलिंग की पूजा सबसे कठिन होती है और दक्षिण मुखी शिवलिंग की पूजा से देश में आतंकवादियों का सफाया होगा, जिसके लिए विशेष अनुष्ठान कर दक्षिण मुखी शिवलिंग की पूजा की जा रही है। माघ के बाद महाशिवरात्रि का जब पावन पर्व होता है तो त्रय गंगा यहाँ भगवान शिव की जटाओं से जो निकल के आकाश पाताल में निवास है वहाँ मृत्युलोक के बाबा के सन्निकट आ जाती हैं। इसलिए शिवरात्रि में स्नान करने पर आकाश गंगा, पाताल गंगा और भागीरथी गंगा में डुबकी लगाने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्तो दृश्यतम, जो भी आप चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो सकता है। कहा डुबकी लगाने का लाभ प्राप्त होगा कब? कहा जब हर हर गंगे कहेंगे तब। हर हर गंगे कहेंगे कब? कहा जब भगवान शिव के महामंत्रों का जप करेंगे तब। महामंत्रों का जप होगा कब? कहा जब महाशिवरात्रि में सारे लोग संकल्प के साथ माँ गंगा में डुबकी लगाते समय स्नान करके पूजन करके दोनों हाथ की पांच कर्मेंद्री पांच ज्ञानेंद्रियों को सूर्य की मुद्राओं में प्रणाम करते हुए हर 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 महादेव कह के अगर आप 11 बार डुबकियां लगाते हैं तो भगवान भूतनाथ का दिव्य अभिषेक करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। यह दर्शन और पूजन समस्त कामनाओं को फल देता है। कल दूध दही घी महादु और नाना प्रकार की दिव्य सामग्रियों से शिव का शिवार्जन करना चाहिए, गंगा का पूजन करना चाहिए। यथा सामर्थ्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान करके जीवन के भाग्य का भाग्योदय करना चाहिए। कुंभ नगरी प्रयागराज में संगम तट पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सैंड आर्ट कलाकार अजय गुप्ता द्वारा 1151 बिस्किट से अनोखा शिवलिंग बनाया गया है, जो संगम तट पर आने वाली श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सैंड आर्ट कलाकार अजय गुप्ता ने बताया कि ऐसा शिवलिंग मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। वही अनोखा शिवलिंग बनाने वाले कलाकारों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माघ मेला द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। की कलाकार अजय गुप्ता का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ये बिस्किट शिवलिंग देखकर। हम लोग हमेशा एक पत्थर का या एक बर्फ का शिवलिंग देखते आए हैं, आज हम लोगों ने बिस्किट के शिवलिंग देखा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसके उपलक्ष्य में ये हम लोगों ने यहाँ देखा। ये कहीं हम लोगों ने नहीं देखा था, ये संगम नोस पर हम लोगों ने पहली बार देखा है। ये विश्व में कहीं था नहीं, आज पहली बार उन्होंने देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ नगरी प्रयागराज में आज महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है। अगर बात की जाए संगम नगरी प्रयागराज की तो संगम नगरी प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए विख्यात है। संगम नगरी प्रयागराज में बीते 6 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत हुई थी। आज महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है और संगम नोज पर बिस्किट का शिवलिंग बनाया गया है। आपने अक्सर पत्थर या तो बर्फ का शिवलिंग देखा होगा। पहले तो आप यह तस्वीर देखिए, यह प्रयागराज का संगम तट है। संगम नोज पे 1151 बिस्किट का शिवलिंग बनाया गया है। किस तरीके से यह शिवलिंग बनाया गया है और आज किस तरीके से संगम नोज पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस शिवलिंग को बनाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सैंड आर्ट के कलाकार है अजय गुप्ता, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बिस्किट का शिवलिंग बनाया है, क्या उद्देश्य है इनका बिस्किट का शिवलिंग बनाने का। अजय जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप लगातार अपने कला से लोगों को जो है नई नई चीजें दिखा रहे हैं और आज महाशिवरात्रि पर आपने यहाँ पर बिस्किट का शिवलिंग बनाया है, तो क्या उद्देश्य है, कितने बिस्किट का शिवलिंग है? जैसा कि आप लोग अक्सर देखते हैं, हम लोग हमारे टीम द्वारा सैंड आर्ट किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है अपने कला के माध्यम से। तो आज शिवरात्रि का पर्व है और ये उत्साहित हम लोग कई दिनों से थे कि एक नया कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए और अपने संगम नोज पे हमारी टीम अंकित मनोज और दीपांजलि द्वारा 6 घंटों की मेहनतों से हम लोगों ने ये शिवलिंग का निर्माण किया है। ये शिवलिंग जो कि कंदरिया महादेव मंदिर का है, जो कि विश्व धरोहर हमारे खजुराहो में मध्य प्रदेश में स्थित है। आप उस शिवलिंग से ही पैर होके हम लोगों ने ये शिवलिंग बनाया है। इसमें 1151 शिवलिंग बिस्किट लग चुके हैं शिवलिंग का निर्माण करने में और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है संगम नोज में। इस उपलक्ष्य में सर हम लोगों ने ये बनाया है सर। तो आज संगम नगरी प्रयागराज में आज विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की जो शुरुआत हुई थी आज उसका समापन है। महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ माघ मेले का समापन होता है। संगम नगरी प्रयागराज के
संगम तट पर 1151 बिस्किट से बनाया गया यह शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। प्रयागराज में माघ मेला के प्रमुख स्नान महाशिवरात्रि 18 फरवरी यानी कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने करके शिवालय पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। वहीं आज इस मौके पर संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और हर हर गंगे भोले बाबा के जयकारे लगाए। वहीं पुलिस प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बता दें कि सीसीटीवी, ड्रोन, जलथल, पुलिस के अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही आसपास के शिव मंदिरों पर भी प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आस्था और धर्म की नगरी कहे जाने वाली संगम नगरी प्रयागराज में आज आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि का है। आप देख सकते हैं अर्धरात्रि से ही श्रद्धालु यहां पे आके गंगा मैया के तट पर श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही आज ये भी मान्यता है कि जो भी गंगा तट पर आके डुबकी लगाता है और शिवालयों पर जाकर जलाभिषेक, फूल माला, बेलपत्र चढ़ाता है तो उसकी मनोकामनाएं सभी पूरी होती हैं। खासकर सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए और कुंवारी कन्याएं अपने वर अच्छे वर प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पे घाटों की सुरक्षा की तो यहाँ पे डी वेरिकेटिंग, जल पुलिस, पीएससी की सीसीटीवी कैमरे, ये सभी मेला क्षेत्र में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था करी गई है। और जितने भी आसपास घाट के यहाँ पे शिवालय हैं संगम क्षेत्र में, जितने भी यहाँ पे बगल में शिवालय हैं वहाँ पे पुलिस की सुरक्षा की खास तौर पे व्यवस्था करी गई है। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। तो वहीं पर महाशिवरात्रि की पर्व की हर तरफ धूम दिखाई दे रही है। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।